Hello friends, welcome to our new video that is based on cement. Cement is a very important topic hai for the engineering students. First year mein aap cement padhte hain chemistry subject mein. Iske alawa civil ke student bhi cement ke bare mein study karte hain. To sabse pehle discuss karte hain definition of cement. What is the definition of cement? सीमेंट जैसे कि सीमेंट के बारे में हम जानते हैं, सीमेंट क्या है? सीमेंट इज द बाइंडिंग मटेरियल. सीमेंट क्या है? एक बाइंडिंग मटेरियल. सीमेंट इज द बाइंडिंग मटेरियल विच बाइंड्स stones, bricks and concrete. Cement is the binding material which binds stones, bricks and concrete. या हम बोल सकते हैं cement is the material which can bind stone, bricks and concrete. That is cement. तो इस तरह से हमने सीमेंट को डिफाइन कर लिया. सीमेंट के टाइप्स कौन कौन से हैं? टाइप्स ऑफ सीमेंट, टाइप्स ऑफ सीमेंट, मेनली सीमेंट के चार टाइप्स हैं. फर्स्ट नेचुरल सीमेंट. नेचुरल सीमेंट. सेकंड पोज़ोलना सीमेंट. थर्ड स्लैग सीमेंट. और फोर्थ जो कि ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज पोर्टलैंड सीमेंट. ये मॉडर्न एज सीमेंट है. नाउअडेज ओनली पोर्टलैंड सीमेंट इज यूजिंग एवरीवेयर. वो क्यों यूज होती है इसको हम डिस्कस करेंगे. तो सीमेंट को हमने डिफाइन कर लिया. सीमेंट इज द मटेरियल विच बाइंड्स स्टोन, ब्रिक्स एंड कॉन्क्रीट. तो सीमेंट बेसिकली बनता कैसे है, फॉर्म कैसे होता है? सीमेंट के तीन इंग्रेडिएंट हैं मेन. एक है लाइम स्टोन, जिसको हम CaCO3 भी बोलते हैं केमिस्ट्री. दूसरा है सिलिका SiO2. तीसरा इंग्रेडिएंट है एल्यूमिना Al2O3. ये मेन तीन इंग्रेडिएंट है जिनको आपस में मिक्स करके हाई टेम्परेचर पर एक्साइट करके, हाई टेम्परेचर पर बर्न करके और सीमेंट बनाया जाता है. इसी वजह से ये बाइंडिंग प्रॉपर्टी रखता है. तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसके टाइप्स को. सबसे पहला टाइप क्या है? सबसे पहला टाइप है नेचुरल सीमेंट. नेचुरल सीमेंट क्या होता है? नेचुरल सीमेंट जैसा कि हमने आपको बताया कि सीमेंट जो बना होता है वो लाइम स्टोन, सिलिका. सिलिका का मतलब क्ले, और एल्यूमिनियम से बना होता है. तो नेचुरल सीमेंट जो है बेसिकली इन्हीं से बना होता है, लाइम स्टोन, सिलिका एंड एल्यूमिना का जो मिक्सचर है दैट इज कॉल्ड नेचुरल सीमेंट. नेचुरल सीमेंट की प्रॉपर्टी क्या क्या है और इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है? तो जो नेचुरल सीमेंट है ये हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी रखता है और ये सेटिंग सीमेंट भी कहलाता है. इसकी जो स्ट्रेंथ होती है सेटिंग की वो बहुत लो होती है, तो ज्यादा यूज इसका हम नहीं कर पाते.
इसलिए इसका जो एप्लीकेशन है वो मोर्टार बनाने में काम आता है। नेचुरल सीमेंट का जो ज्यादातर यूज है वो मोर्टार बनाने में काम आता है। अब मोर्टार क्या होता है? मोर्टार इज द मिक्सचर ऑफ सिलिका एंड व्हाट मोर्टार, व्हाट इज मोर्टार? मोर्टार इज द मिक्सचर ऑफ सिलिका एंड कॉन्क्रीट। तो नेचुरल सीमेंट का यूज होता है मोर्टार बनाने में। मोर्टार क्या होता है? इट इज द मिक्सचर ऑफ सीमेंट प्लस लाइमस्टोन प्लस सिलिका और सैंड। इसका जो मिक्सचर होता है वो मोर्टार कहलाता है। और मोर्टार का यूज भी तरह तरह से होता है। कंक्रीट को ऐड करने में होता है, ब्रिक्स को ऐड करने में होता है, स्टोन्स को ऐड करने में होता है। सो दिस इज द मेजर एप्लीकेशन ऑफ नेचुरल सीमेंट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्लैग सीमेंट। नेक्स्ट वन इज द स्लैग सीमेंट। सीक्वेंस थोड़ा चेंज हुआ है। पदोल्ला सीमेंट के जगह हमने स्लैग सीमेंट को लिया हुआ है। स्लैग सीमेंट ये बेसिकली हाइड्रेटेड लाइम और ब्लास्ट फर्नेस स्लैग का मिक्सचर होता है। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग क्या होता है? ये कैल्शियम और ब्लास्ट फर्नेस स्लैग जो होता है वो कैल्शियम और इसके साथ साथ सिलिका एल्यूमिनियम सिलिकेट्स जो होते हैं इनका मिक्सचर होता है, जिसको हाई टेम्परेचर पर बर्न किया जाता है। दैट इज कॉल्ड ब्लास्ट, और उसको ब्लास्ट फर्नेस पर में बर्न किया जाता है। इसीलिए इनको बोलते हैं ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। क्या क्या? कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम सिलिकेट। क्या है? कैल्शियम और एल्यूमिनियम सिलिकेट्स का मिक्सचर, और ये कहलाती है स्लैग सीमेंट। इससे जो सीमेंट बनती है दैट इज कॉल्ड स्लैग सीमेंट। स्लैग सीमेंट जो होती है वो लो सेटिंग सीमेंट होती है। लो सेटिंग सीमेंट होती है और एब्रेशन में रेजिस्टेंस में भी बहुत पुअर होती है। इसी वजह से इसके एप्लीकेशन भी बहुत कम है। और इसका वन ऑफ द एप्लीकेशन है कंक्रीट फॉर्मेशन करने में, कंक्रीट को प्रोड्यूस करने में, ये स्लैग सीमेंट है। नेक्स्ट आते हैं हम पदोल्ला सीमेंट पे। पदोल्ला सीमेंट ये बेसिकली रोमन्स ने इसके बारे में बताया था। पदोल्ला सीमेंट के बारे में इसे नाम है पदोला सीमेंट। इट इज द रोमन वर्ल्ड और रोमन्स ने इसके बारे में बताया था कि ये जो सीमेंट है ये बहुत पुरानी सीमेंट है और रोमन्स इसका यूज कंक्रीट बनाने में करते थे फॉर द कंस्ट्रक्शंस ऑफ वॉल्स एंड डोम्स। पदोला सीमेंट का जो यूज है रोमन्स कंक्रीट बनाने में करते थे और कंक्रीट का यूज फिर वॉल्स और डोम्स को बनाने में किया जाता था। इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं ये हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं और इसी वजह से इसका यूज जो है वो पोर्टलैंड सीमेंट के साथ किया जाता है। यानी पहले इसको पोर्टलैंड सीमेंट में मिक्स किया जाता है एंड देन डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन में इसको यूज किया जाता है। तो ये हो गई पोर्टलैंड, सॉरी पदोल्ला सीमेंट। अब हम बात करेंगे पोर्टलैंड सीमेंट के लिए। इस वीडियो में इतना है। थैंक यू वेरी मच।